नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं हूं सन्नी सारद। इस वक्त झारखंड की राजनीति से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में भारी पैसों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। गाड़ी में पैसा इतना है कि गिनने के लिए कई मशीनें थाने में इस वक्त बुलाई गई है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक को इस वक्त बंगाल की पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके गाड़ी के डिक्की से जो पैसे बरामद हुए हैं उस पैसों की गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने इसे लेकर एक बयान भी जारी कर दिया है और बंगाल पुलिस ने बताया है कि किस तरह से झारखंड कांग्रेस के विधायकों की गिरफ्तारी बंगाल में की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये पैसा किसका होगा और ये गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई होगी। पूरी कहानी हम बताएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। लेकिन एक बार फिर से अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें, झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार हुए हैं। काले रंग की एक गाड़ी पकड़ी गई है और उस गाड़ी के डिक्की में पैसा भरा हुआ था, सिर्फ पैसा भरा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त झारखंड के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो रांची में हैं, मीटिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ। यहाँ पर जिला अध्यक्ष का जो है इंटरव्यू चल रहा है और दूसरी तरफ एक दूसरा खेला हो रहा है। आखिर ये पैसा किसका था, ये पैसा कांग्रेस के विधायकों की गाड़ी में कैसे आया, ये तमाम चीज़ें हम बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, एक बात तो क्लियर हो गई कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक करोड़ों रुपए के साथ बंगाल में हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस ने हिरासत में लिया है, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या मामला है पूरा? देखिए दर्शकों को, जैसा कि आपने बता ही दिया, मैं बता रहा हूं कि शनिवार को देर शाम, यानी कि जब हम लोग इस खबर को अब बता रहे हैं, दर्शकों को तक लेके पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले जो है इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और बंगाल पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी इसलिए की क्योंकि उन लोगों को सूचना था कि भारी मात्रा में जो है करोड़ों का रकम एक गाड़ी के जरिए जो है ले जाया जा रहा है। जब उस गाड़ी का पीछा किया गया और उस गाड़ी को रोका गया और जब जाँच और तलाशी की गई तो उसमें इतने पैसे हैं, इतने नोटों के बंडल हैं कि उसकी गिनती वहां पे मौजूद पुलिसकर्मी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पुलिस का जो बयान है, बंगाल पुलिस का जो उनका नाम, जो बंगाल पुलिस की जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि काउंट करने के लिए जो है मशीनें मंगवाया जा रहा है और उस गाड़ी में 3 MLA हैं। 3 MLA का नाम जो है, एक इरफान अंसारी है, नमन विक्सल कोंगाड़ी है और तीसरे जो हैं राजेश कच्छप हैं, जो कि खिजरी से विधायक हैं। तो देखिए, ये एक और अपडेट संजय ने बताया कि 3 कांग्रेस के जो विधायक करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार हुए हैं उसमें जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी जो कोलेबीरा के विधायक हैं और तीसरा जो रांची से सटे खिजरी के विधायक हैं राजेश कच्छप, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। और इन तीनों के गाड़ी से, यानी कि ये जिस गाड़ी पर उस गाड़ी पर थे या नहीं थे ये तो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन काले रंग की गाड़ी के डिक्की से पैसे बरामद हुए हैं। सनी, मैं यहां पे आपको रोकना चाहूंगा। ये जो महिला जो अधीक्षक हैं बंगाल पुलिस की, वो एसपी हो गए, हाँ, उनका नाम स्वाति भंगालिया है। अच्छा। जो कि मौके पे मौजूद भी हैं, उनका एक बयान आया है, बांग्ला में है लेकिन दर्शकों को समझाना चाहूंगा। देखिए, ये जो बंगाल की एसपी हैं वो बता रही हैं कि आखिर पूरा क्या डिटेल है, आप सुनिए। আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে, ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3 MLA আছে যারা ঝাড়খণ্ডের MLA আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। 3 MLA আছে আর ঝাড়খণ্ডের MLA আছে, ওনারা ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিস দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের MLA, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাংক থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করবো, কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। ম্যাডাম, গাড়িতে ফুট লাগানো আছে, MLA জামতারা, উনি কি আছেন? এক MLA ওনার মধ্যে MLA জামতারা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্সন। ম্যাডাম, কি করে জানতে পারলেন টাকাটা? এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে, গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং মেকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো, ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো কি কীভাবে কোথান থেকে কী আছে, তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করবো। ম্যাডাম, কোথা থেকে নিয়ে আসছি?
तो बिल्कुल ये देखिए, बंगाल की एसपी थी जो बता रही थी कि आखिर क्या डिटेल है। उन्होंने जैसा कि बताया बंगाली में वो अपना जो है बयान दे रही थी, और उन्होंने बताया कि पैसा इतना ज्यादा था कि वो गिन नहीं पा रही है और उसके लिए मशीन बुलाया गया। और इस वक्त जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य लाइन पर हैं। सुप्रियो दा, जो ये कांग्रेस के 3 विधायक पैसों के साथ पकड़े गए हैं, आपके पास क्या सूचना है इसे लेकर? देखिए, मेरे पास सूचना ही सूचना जितना आपके पास सूचना है कि बंगाल से हमारे जो कुछ मित्र है उन्होंने इस बात को कहा है। मैं तो अभी तक देखा नहीं, मैं बाहर एक कार्यक्रम में हूँ, लेकिन मालूम चला कि 3 लोगों के गाड़ी में बहुत बड़ी संख्या में कैश पैसे है। अब वो पैसे किसके है, क्या है, ये तो बेहतर तरीके से कांग्रेस के वो विधायक और कांग्रेस पार्टी बोल पाएगी, और सारी जानकारी आज रात तक में आ जाएगी। उसके बाद जो भी बातें होंगी सुप्रियोदा, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि चीजें यहाँ तक अब जा चुकी है कि सरकारें गिराने की भी कोशिश चल रही है, और लगातार ऐसी खबरें आते भी रहती है, मीडिया की खबरों को मजाक के तौर पे लिया जाता है, क्या उससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, धुआं तो वही उठता है ना जहाँ पर आग लगी हो, भले उस आग की तीव्रता कितनी है वो अलग चीज है, लेकिन धुएं को तो इनकार आप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इस मामले तो हम लोग भी शुरू से कहते आए हैं, लगभग 2 वर्षों से तो मैं इस बात को कह ही रहा हूँ कि हर तरह की साजिश हो रही है। तो कई बार इसका मतलब उद्भेदन भी हुआ है। दादा, एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे है, बाकी बाद में हम लोग आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। आपके पास अपना स्पेशल ब्रांच है स्टेट के पास, क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसी इनपुट्स मिल रही थी कि जो विधायक हैं वो ऐसी ऐसा काम कर सकते हैं? संजय जी, स्पेशल ब्रांच के साथ में मेरा कोई संपर्क नहीं है। आप लोगों का आपकी पार्टी की सरकार है, मेरा सवाल ये है कि स्टेट के पास मेरी पार्टी की सरकार है, और मेरा चरित्र है कि मैं किसी भी सरकारी विभाग में न दखल करता हूँ, न उसकी जानकारी रखता हूँ। मैं ठीक है दादा, शुक्रिया। तो बिल्कुल, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य थे जो बता रहे थे कि उन्हें भी ये सूचना मिली है कि कांग्रेस के 3 विधायक करोड़ों रुपए के साथ बंगाल में जो है पकड़े गए हैं, और फिलहाल जो है पूछताछ चल रही है। आप समझ सकते हैं कि अब झारखंड की राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा गई है, तब जब कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो रांची में मौजूद हैं और उनके विधायक बंगाल में करोड़ों रुपए के साथ पकड़े जा रहे हैं। संजय, पुलिस का बयान, सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान, और ये जो तस्वीर है, ये तीनों को देखकर आप क्या कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं? आखिर ये इनके गाड़ी में पैसा क्यों आया, किसने रखा, कहां से लेकर आ रहे थे? बहुत ही बदसूरत तस्वीर है, जैसा आप तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बदसूरत इसलिए है सनी कि झारखंड जैसे प्रदेश में हमेशा से एक कयास लगाया जाता रहता है, जिस दिन सरकार एक तरफ शपथ ले रही होती है, दूसरी तरफ जो है चर्चा ये हो रही होती है कि क्या ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। पिछली जो सरकार थी, रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, वो एक अपवाद मात्र है, जो कि झारखंड गठन के बाद से जो है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अब जबकि इरफान अंसारी जैसे विधायक, जिन पे लगातार आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री के साथ इरफान सोरेन मुख्यमंत्री उनको बोलते थे, और हेमंत सोरेन बोलते थे कि वो हेमंत अंसारी हैं, इस तरीके की घनिष्ठता, एक इस तरीके का विश्वास ना केवल सिर्फ गठबंधन का बात था, राजनीतिक सिर्फ मिलान नहीं था, उनके घरेलू रिश्ते भी आप देखते होंगे। हो सकता है कि कल के डेट में खारिज कर दिया जाए विधायकों के तरफ से, फिर पार्टी के तरफ से सब कुछ मेल मिलाप हो जाए और एक बीच का रास्ता निकाल करके बोल दिया जाए कि पैसा किसी और चीज के लिए था। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है झारखंड में, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुए, और हाल के दिनों में इरफान अंसारी हों, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हों, या फिर राजेश कच्छप हों, जिनसे मेरी ही बातचीत फॉलोअप दर्शकों ने देखा होगा, आप समझिए कि इनके बोल बदल गए थे, इनके बोल बदल गए थे, मतलब कि राजनीतिक संकेत स्पष्ट दे रहे थे। एक तो
जो क्रॉस वोटिंग हुई वो स्पष्ट हो गया था उस समय, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि जो एक प्रोसेस जो चल रहा है कि सरकार को लेकर के अपदस्थ करने की जो साजिश चल रही है वो कहीं ना कहीं आज की जो तस्वीर जो बंगाल से निकल करके आया है उन सारे कयासों पे एक तरीके से मुहर है। आप मीडिया को लाख बोल लीजिए, लाख सवालों के घेरे में ले लीजिए, मीडिया का मजाक उड़ा लीजिए कि खबरें ऐसे ही चल रही है। अगर खबरें ऐसे ही चल रही थी और जो लोग मीडिया की खबरों पे सवाल उठा रहे थे, आज ये जो इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगाड़ी जैसे लोग की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो उन सारे खबरों पे जो है मुहर है और मीडिया की खबरों पे एक तरीके से जो है आप पुख्ता करते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल, जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार हम फिर बता दें कि झारखंड कांग्रेस के तीन विधायक, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, रांची से सटे खिजरी के विधायक राजेश कश्यप और कोलेबीरा के विधायक बिक्सल कोंगाड़ी, तीनों भारी पैसा यानी कि करोड़ों रुपए है, उससे भी अधिक होगा शायद, उसमें इतना सोना होगा कि हम और आप उसे बता नहीं सकते। यही वजह है कि अभी जब हम बंगाल की एसपी का बयान सुन रहे थे तब उन्होंने बताया कि पैसे गिनने के मशीन जो है मंगाए जा रहे हैं और उससे पैसा गिना जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कितने पैसे थे। अब इसके आगे का जो सवाल है वो सवाल ये है कि विधायकों के गाड़ी में ये पैसे क्यों आए, कैसे आए, किसने रखा। चूँकि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र के बाद आप सब देख रहे हैं कि एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, दूसरे तरफ लगातार जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बोल रही है कि किसी भी तरह जो है यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। तो हमारे पास देखिए ये वीडियो भी आ गया, हम वो दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना नोट जो है वह रखा गया है। कलकत्ता न्यूज के ये आप देखिए कि इतने भारी मात्रा में जो है नोट जो है बरामद हुए हैं, और ये बंगाल से जो तीन विधायक हैं कांग्रेस के, उन तीनों विधायक की गाड़ी से ये पैसे जो हैं बरामद किए गए हैं। आप देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सिर्फ 500 रुपए के नोट हैं और उसके पीछे ये कपड़ा तकिया जैसा कुछ सामान है और उसमें भी हो सकता है कि नोट हो। ये बंगाल पुलिस ने वहाँ पर मीडिया को बुलाया, मीडिया ने बाकायदा गाड़ी की तस्वीर ली और उसके बाद एसपी की तरफ से जो महिला एसपी थी उन्होंने एक बयान भी जारी किया और बताया कि किस तरह से पैसे बरामद किए गए हैं। उन्होंने क्लियर बताया कि झारखंड के एमएलए हैं और फिलहाल पैसों की गिनती हो रही है और एमएलए से जो है पूछताछ हो रही है। लेकिन अब झारखंड की राजनीति पर यदि फोकस करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वो अभी चीज़ों को समझ रही है। इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस के विधायक हैं और उनकी गाड़ी से पैसे मिले हैं, यह भी साफ हो गया कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। लेकिन अब कांग्रेस इस पर क्या बोलती है यह देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर संजय कहा जाए कि जिस तरह से कांग्रेस के तीन विधायक, एक तो यहाँ पर अविनाश पांडे के रहते वो बंगाल जाते हैं और वहाँ जाकर पैसा लेते हैं, खुद से लेते हैं, एक तो हिम्मत भी की दाद देनी होगी क्योंकि झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है और बंगाल में भी पार्थो चटर्जी और जो हीरोइन है उनके यहाँ भी लगातार कार्रवाई चल रही है मुखर्जी। तो इसके बावजूद ये लोग जाते हैं वहाँ और इतनी भारी रकम लेकर या तो आने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और मंशा होगी। आपको क्या पूरा क्लियर है कि ये सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के ये तीनों विधायक बीजेपी में जाने के लिए पैसे ले रहे थे, ये क्या अभी तक पुलिस के बयान या पॉलिटिकल बयान से स्पष्ट हो पाया? देखिए मैं सीधे तरीके से बात करता हूँ और खबरों को दूसरे तरीके से परोसने की आदत भी नहीं है। स्पष्ट है कि ये सरकार गिराने संबंधित ही सारी जो प्रक्रियाएं चल रही है उसी के तहत जो है ये पैसों का लेन देन का मसला था वहाँ पे और ये पैसा लेने वहाँ रिसीव करने गए थे। इस पूरे जो राजनीतिक जो कहानी रची गई है उसमें लीड इरफान अंसारी कर रहे हैं। इरफान अंसारी को लीड इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है रानी हाटी से वहीं पे इनके रिश्तेदार भी रहते हैं, इनकी रिश्तेदारी है। आप देखिए कि पैसा लेने का जगह जो है रानी हाटी जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है इरफान अंसारी की, वो पहले भी आते जाते रहे हैं वहां पे। तो मेरे पास जो इनपुट्स है वो यही था कि सेफ जोन एक रहता कि आप पैसा कहाँ रिसीव करेंगे। तो इनको तो सबसे अच्छा सेफ जोन रहा कि भाई हमारा रिश्तेदार का घर है वहाँ पे मैं पैसा रिसीव कर लूँगा। दूसरी बात है कि ईडी की कार्रवाई झारखंड में भी हो रही है और बंगाल में भी हो रही है, जैसा कि आप सवाल किए कि ये दोनों प्रदेशों में जब कार्रवाई हो रही है तो फिर डर कैसे नहीं है। तो आपको मालूम है कि पैसे कौन दे रहे हैं और जो पैसे दे रहे हैं उन लोगों के द्वारा ये एश्योरिटी होगा कि आपको कुछ होने नहीं जा रहा है।
आप समझिए कि अब इसमें है कि कैसे ये खबर जो है पुलिस तक पहुंची होगी। तो पुलिस तक पहुंचने के पीछे की वजह जो मेरे पास जो सोर्सेस हैं उसके मुताबिक ये है कि ऑलरेडी हेमंत सोरेन सरकार ने जो है इन जो जो विधायकों को जो आज जो पकड़ा गया है जो पुलिस के हिरासत में है इन लोगों पर पहले ही से रेकी चल रहा है। इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी पिछले कई दिन। इनकी मॉनिटरिंग महीनों पहले से हो रही है और इनकी हर हरकतों पे जो है ध्यान दिया जा रहा है। स्टेट के पास भी तो अपना स्पेशल ब्रांच वगैरह। देखिए बहुत बड़ी बात और बड़ी खबर संजय बता रहे हैं कि झारखंड के जो विधायक हैं जिन्हें लग रहा था कि सरकार को कि वो विधायक इधर उधर जा सकते हैं चूंकि सरकार बदलने की बात जो है पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी तो उन पर नज़र पहले से ही रखी जा रही थी। जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके अनुसार स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर को बाकायदा वैसे विधायकों के घर के बाहर डिपुट किया गया था हर एक गतिविधि पर ध्यान देने के लिए कि उनसे कौन मिलने आता है, कब आता है, कहाँ जाता है, फ़ोन पर किससे बातचीत होती है नहीं होती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि वो फ़ोन उनका रिकॉर्ड होता था या फिर नहीं होता था, लेकिन ये बातें ये रांची में खास करके झारखंड में आम है चर्चा कि तमाम जो विधायक हैं जो इधर उधर होने वाले थे उनकी रेकी लगातार की जा रही थी। और ये सब सारी चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई दर्शक या फिर कोई नेता ये सवाल करने लगे कि क्या कोई इसकी अधिसूचना है, कोई निर्देश है लिखित, ये सब लिखित निर्देश नहीं होता है। जब स्टेट को ये लग रहा था कि उसके ऊपर संकट है जिस तरीके से लगातार ये चीज़ें घट रही थी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये लगेगा और इसीलिए निगरानी रखा जा रहा था। भाई आप देखिए कि ये जो इरफान अंसारी हैं आप ये जो क्रॉस वोटिंग हुआ है सनी उसके बाद से गतिविधियां और तेज हुई है। एक तो क्रॉस वोटिंग हुआ उसके बाद मैं लगातार कांग्रेस के विधायकों का बयान सुन रहा था जिस तरह से मैं कुछ विधायकों का नाम भी लूँ अगर तो बेरमो के विधायक गौ तस्करी पर बोले हालांकि इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता लेकिन जो बयान जो है हाँ बयान का मैं बात कर रहा हूँ। फिर इरफान अंसारी का जो बयान था उर्दू को लेकर तमाम कांग्रेस के कई विधायक हैं तो उनका जो बयान और सुर बदला तो क्या सचमुच में लग रहा था कि हाँ सबको धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं? देखिए तैयार किया जा रहा था। अच्छा। और इसके पीछे जो आप बोल रहे हैं कि डर इन लोगों में है कि नहीं है जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है झारखंड में, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है बंगाल में, तो इन सब को पैसा लेने में डर है कि नहीं ये जो आपका सवाल है मुझको लगता है कि सवाल आपको ये करना चाहिए था सनी कि क्या इन लोगों को ये डर नहीं है कि ईडी इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि पहले से जो डर था उसको बचाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र में ये लोग शामिल हो रहे हैं। उन लोगों के ऊपर एक दबाव होगा जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने इशारों में कहा भी कि एक कोशिश तो चल ही रही है। तो कौन सी कोशिश चल रही थी? कोई ट्रेनिंग देने की तो कोशिश चल नहीं रही थी, सारे लोग तो जीत करके आए। ये साफ है कि कोशिश चल रही थी कि किसी तरह हेमंत सोरेन की सरकार का जो है तख्ता पलट किया जाए और ये कोशिश यहाँ से लेकर ऊपर तक का लेवल तक का जितना व्यक्ति है चाहे पार्टी में हो, संगठन में हो या फिर सरकार में हो या ना हो वो शामिल था और चाहता था और वही जो है आज खुलकर निकलकर सामने आ गई। इससे पहले आपको याद होगा कि एक बार और राजधानी रांची में भी इसी तरह एक छापेमारी हुई थी, उसमें भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। वो बाकायदा कांग्रेस के विधायक ने ही लिख कर दिया था कि सरकार गिराने की मंशा से कुछ लोग जो है एक होटल में आकर रुके हुए हैं। उसके बाद आनन फानन में एक टीम बनती है, होटल में पुलिस जाती है, पुलिस जाकर छापेमारी करती है और छापेमारी करने के बाद 3 लोग गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद में पता चलता है कि ये लोग सब्जी बेचने वाले लोग हैं, फिर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और उनको बेल भी मिल जाता है। लेकिन अब आज जो बातें निकलकर सामने आई हाँ उसमें जो आगे जांच की गतिविधि जो है आगे सब चलती है तो उसमें ये भी बात निकलकर सामने आ जाती है कि हाँ दिल्ली के एक होटल में कांग्रेस के विधायक जो है जाकर महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं से मुलाकात किए थे। ऑफिशियल तौर पे पुलिस के तरफ से कोई बयान नहीं आया लेकिन मीडिया में जो खबर आई यही खबर आई थी। उसके बाद इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला इन तमाम विधायकों से मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने उसे सिरे से खारिज किया और कहा कि ये शराब के ठेके का मामला था। लेकिन आज जिस तरह से इरफान अंसारी की गाड़ी से पैसे बरामद हुए हैं अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इरफान अंसारी को अब तक यही माना जा रहा था कि वह घोर अब बीजेपी विरोधी हैं और खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। वह बस अपना जो उनका एक माइनॉरिटी वोटर है उसके लिए वो हमेशा खुलकर बोलते थे, हेमंत सोरेन के पक्ष में और हेमंत सोरेन को डायनेमिक मुख्यमंत्री बताते हुए उनके पक्ष में लगातार उतरते थे।
लेकिन और ये खुद को जो है हेमंत सोरेन का जो है हनुमान भी ही बताते थे। तो संजय, हनुमान तो लग रहा है कि राम की ही लंका लगाने में था। बिल्कुल, जिस तरीके से जो खबरें आई है, जिस तरीके से हम लोग लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, तो वो तो स्पष्ट है कि हनुमान जो है वो कलयुग है। यहाँ हनुमान भी अपने राम के नहीं हैं, और इरफान अंसारी जिस तरीके से दावा करते थे वो दरअसल बहुत ही मजाकिया लहजे में, हल्के पन से जो है इस तरीके से पेश आते थे। दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि जो गाड़ी ब्लैक कलर की जिसमें पैसे बरामद हुए हैं वो JH09AQ0016 है। हाँ तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हैं। आदित्य साहू जी, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायक करोड़ रुपए के साथ बंगाल में गिरफ्तार हुए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, अभी तो हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है, हम गाँव में है देहात में, लेकिन ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है कि जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर खजाना में भरने का काम लोग करते हैं, जो विकास करना चाहिए विकास नहीं करके सिर्फ अपना तिजोरी भरने का काम करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रही है कि ये पैसा जो है सरकार गिराने के लिए ही उन्हें दिया गया था। अब उनके गठबंधन में उनके साथ लोग सरकार चला रहे हैं लोग, अब तो बेहतर वही लोग जाने, कांग्रेस जाने की जिम्मे जाने की, आज तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है झारखंड में। साहू जी, एक सवाल ये है कि क्या आप लोग ऐसा कोई प्रयास में नहीं लगे हुए हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ किया जाए? दूर दूर तक कोई प्रयास नहीं, कोई विजय नहीं। ये आप देखा के देख रहे हैं कि इसे पहले भी कांग्रेस के विधायक और अन्य लोग उनके बारे में हमेशा अनगल बयान देने का काम किया है कि माफिया बिचौलिया इस सरकार को चला रहे हैं। कई बार कांग्रेस के विधायक, जीएमएम के विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाभी जी बोल चुके हैं कि माफिया बिचौलिया चला रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को बीच में लाना कहीं दो दूर तक अच्छी बात नहीं। निशिकांत दुबे का नाम आपने सुना होगा, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, गोड्डा से बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। ठीक है, निशिकांत जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और अपने क्षेत्र में बहुत सारा विकास का कार्य किया है। तो उनका ट्वीट तो आप पढ़ते होंगे ना, वो जिस तरीके से दावा लगातार करते रहे हैं कि अब ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, कांग्रेस को करनी चाहिए, जेमी को करना चाहिए, किस परिस्थिति में उसके विधायक इतने पैसे लेकर पकड़ाए हैं, इसका मतलब ये है कि उनसे लोग खुश नहीं है वर्तमान सरकार, उनके विधायक। नहीं, आपको क्या लगता है आदित्य जी, ये पैसे लेकर मतलब कहाँ जा रहे थे अगर सरकार गिराने? वो तो कांग्रेस के लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से पूछिए। अच्छा, वही बतलाएंगे, उनके विधायक हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये राज्यसभा सांसद आदित्य साहू थे जो बता रहे थे कि कांग्रेस का ऐसा चरित्र ही रहा है। और दूसरी एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, अगर कांग्रेस के विधायक पैसे उनके पास से पकड़े गए हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, बोलते बोलते उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया और उसी में लग रहा है हम लोग थोड़ा लेट से उसे पकड़ पाए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है उससे खुश नहीं है, क्षुब्ध हैं, और यही वजह है कि पैसे के साथ पकड़े गए। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो धीरज आदित्य साहू का जो बयान है, दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि झारखंड बीजेपी के महामंत्री रहे हैं और हाल ही में राज्यसभा नवनिर्वाचित हुए हैं। आदित्य साहू जो बोल रहे हैं यही भाषा राजेश कच्छप की भी थी 3 दिन पहले जब उनसे बातचीत हुई थी। वो बकायदा ये बोल रहे थे कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो कोई नाराजगी भी होगी, नाराजगी में सरकार से है। और यही बात आदित्य साहू भी बोल रहे हैं कि नाराजगी है। तो आप समझिए कि चीजें कैसे जो है हो रही है। तो बिल्कुल, लगातार हम अपने दर्शकों को यह अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से बंगाल में जो है कांग्रेस के 3 विधायक जो है करोड़ों रुपए के साथ जो है पकड़े गए हैं, और लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मनसा साफ हो गई कि आखिर बीजेपी झारखंड में क्या करना चाहती थी। बीजेपी ने कहा कि उसे नहीं पता कि ये पैसा किसका है, कांग्रेस के विधायकों को जरूर जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यही चरित्र रहा है। तो अब कांग्रेस के तरफ से फिलहाल जो है किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। हमने कोशिश की कई विधायकों से, कई कांग्रेस के नेताओं से बात करने के लिए, कांग्रेस की चुप्पी क्या कहती है? कांग्रेस क्या बोलेगी? कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो निरीह स्थिति है, क्रॉस वोटिंग पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है,
कांग्रेस के विधायक पैसे लेकर के उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है एक तरीके से, दूसरे प्रदेश में बहुत करोड़ों रुपए के साथ, और कांग्रेस के नेता बोलने से बच रहे हैं। अब भी अगर कांग्रेस में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कुछ बोल सके, तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी में अब बचा क्या है। ये जो विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये जो भाग रहे हैं, अब भी अगर कांग्रेसियों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक बयान दे सके, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका विधायक पैसा के साथ गिरफ्तार हुआ है, आपका एक बयान तक नहीं आ रहा है, आप बोलने से बच रहे हैं। पहले वो समझेंगे तब ना बोलेंगे चीज़ों। अब क्या समझेंगे, ये सारी तस्वीरें सामने। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो आला नेता है उन्हें बताकर ये तीनों गए होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बता करके नहीं गए होंगे। ये तो ये वही तो सवाल है, फिर कैसे अभी बोले? नहीं नहीं, सवाल ये है कि जब एक तस्वीर सामने आ गया, बंगाल पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि कांग्रेस के तीन विधायकों ने पैसा लिया, और वो पैसा करोड़ों की संख्या में है जो दिख रहा है, वो काउंट नहीं किया जा सकता है, तो आप समझिए इसको। तो बिल्कुल देखिए, सवाल तो बड़ा है। जिस तरह से करोड़ों रुपए के साथ कांग्रेस के विधायक पकड़े गए हैं, वे विधायक जिन पर पहले भी लांछन यही आरोप लगा कि भाई सरकार गिराने की साजिश में वो शामिल रहे हैं, लेकिन मीडिया ने जब जब उनसे सवाल किया वो इससे जो है इनकार करते रहे, और उन्होंने कहा कि वो मामला दूसरा था। अब वो मामला दूसरा था तो ये मामला क्या है, ये भी उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन काफ़ी अहम और काफ़ी अहम आज के बाद से शुरू हो जा रही है, तब जब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज चूंकि शनिवार है इसलिए सत्र नहीं था, कल रविवार है, कल भी नहीं है, सोमवार से फिर सत्र जो है शुरू होने वाला है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है और वहाँ पर उन्हें जाना है। हो सकता है कि वो समय भी ले लें, लेकिन इस बीच ये घटना घट जाना, अगर सब कुछ जोड़ कर देखिएगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला जो है होने वाला था। बंगाल में जो बहुत फेमस जो है एक नारा है कि खेला होबे, तो ये खेला हो सकता है कि झारखंड में विधानसभा सत्र के दौरान ही होने वाला होगा। अब ये तमाम तरह के कयास और झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं वो लगातार अब आरोप लगा रही हैं। तो लाइव बहुत लंबा हो गया, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा अपडेट था इसलिए हम लगातार आपको अपडेट कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि और भी इससे जुड़ा कोई अपडेट आए तो हम फिर आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया।